नमस्ते ऑल, नमस्ते ज्ञान भारत। तो हम आज मेनली कवर करेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है सुजाता और उसकी सहेली अम्बा, कि इनमें जो रिश्ता डेवलप हो रहा है वो कैसे अब आगे बढ़ेगा। हम ये भी कवर करेंगे कि अर्जुन जो है, उनका जो एक आध्यात्मिक रूप है वो हमें देखने को मिलेगा, जो आज से पहले शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। हम फिर देखेंगे कि अर्जुन सुभद्रा का विवाह कैसे होता है, क्या परिस्थितियां होती हैं, और किस तरह से कृष्ण और रुक्मिणी उसमें अपना प्ले करते हैं। और फिर हम एक एक ये देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन जो जो है वो मालिनी को, मालिनी और सुजाता को, उस समय से ही इनका एक 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 आध्यात्मिक रिश्ता कायम होगा जो कि दीना मरियम का, मतलब आज तक रहा वो रिश्ता। तो ये मेन पृष्ठभूमि होगी जो आज हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए अब ध्यान में चलते हैं। करीबन 45 मिनट्स का आज ध्यान कर लिया जाए। तो आप सब रेडी हो जाएं, अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लें और सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में, नहीं तो जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाएं। आप पानी पी सकते हैं अगर आप की इच्छा हो तो, और अपनी आंखों को बंद करके सहज श्वासों के साथ हम ध्यान शुरू करेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, आप अपने श्वास के साथ गमन करें। आप अपने हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पे ले जाएं और धीरे धीरे आप, जब आप चाहें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों का ध्यान अच्छा लगा होगा। थैंक यू थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत गहरा। फुल मून है, इट्स अ ब्यूटीफुल मून आज एकदम। बिल्कुल, यहाँ पीछे मैंने देखा अपने बाहर तो एकदम इतना बड़ा मून, इतना पास दिखाई दे रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। चलिए तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फिर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत कम था।
तो बस एक दो चीजों पे मैं टच करना चाहती थी बिफोर वी स्टार्ट, कि एक तो परसों ये बात हुई थी कि जो रुक्मणी है वो क्यों एकदम से गायब हो गई हमारे इतिहास में से। तो ये दीना के वर्ड्स हैं, और जब हम पूरी इस बुक को एंड तक लेके जाकर के पढ़ेंगे तो हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारी भी आएगी कि जो रुक्मणी थी वो एक वो अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करती थी। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, होते हैं इस किताब में, जब किसी पे अत्याचार होता है तो वहां जाकर के वो खड़ी हो जाती है। वो ये भूल जाती थी कि वो रानी थी या उनको किसी नॉर्म्स के अंडर बिहेव करना था, तो वो करेजियस थी, निर्भीक थी, और वो सीधा जाकर के वहां पे डट कर सामना करती थी। कितने लोगों को वैसे अरेस्ट कराती थी। तो कुछ लोग इवन श्री कृष्ण के पास भी जाते हैं, शिकायत करते हैं, उनकी कई बार शिकायत होती है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम्हारे किसी फैसले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो वो कभी नहीं इंटरफेयर करते। लेकिन ये एक कारण है कि वो थोड़े विवादास्पद रही रुक्मणी। ये एक कारण लगता है कि उनको एकदम से गायब कर दिया गया हमारी हिस्ट्री में से। दूसरी चीज थी कि हमारी एक श्रोता ने ये कहा था, जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय है उसमें ये कहा गया है कि जो द्रौपदी थी, रुक्मणी थी और राधा थी, ये इनके हायर सेल्फ जो थे तीनों के महालक्ष्मी ही थी। इस बात वो एक क्लेरिफाई करना चाहती थी। लेकिन मैंने 1000 सीड्स ऑफ जॉय पढ़ी है, पर मैं इसका मेरे पास आंसर नहीं है। ये आनंद करुणेश जी ने लिखी है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। तो मुझे ऐसा लगा वो प्रश्न सुनने के बाद कि शायद कभी डाउन द ट्रैक हम फ्यूचर में उन्हें ज्ञान भारत पे बुला सकते हैं, और वो तो हिंदी स्पीकिंग होंगे, वो इंडियन है, तो हम डायरेक्ट ऑडियंस क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। कभी डाउन द ट्रैक फ्यूचर में हम सोच सकते हैं इस बारे में, अगर सबको ठीक लगे तो। चलिए अब हम बुक पे स्टार्ट करते हैं, जो कि है Day 3 आज। तो Day 3 में हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अपने अपने फेवरेट वुमेन्स क्वार्टर्स में। तो अब वुमेन्स क्वार्टर में क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि जो अम्बा है वो वहां 6 महीने के लिए रहने आई थी, और फिर थोड़े समय के बाद जब ये समय पूरा हो जाता है तो वो वुमेन्स क्वार्टर से अपने घर चली जाती है। लेकिन वो समय समय पर आकर सबसे मिलती रहती है, जैसे कि सुजाता से उसकी बड़ी वो अच्छे मित्र बन गए होते हैं अभी तक। तो अब हम सुजाता के मुंह से ये कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुजाता ये कहती है, मुझे याद है कि जब ईशान का जन्म हुआ था तो मुझे अपने हृदय के भीतर कोई भी खुशी महसूस नहीं हुई थी, जो कि एक माँ को होती है जब उसका बच्चा उसकी गोद में आता है। वो कहती है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उद्धव की अनुपस्थिति को महसूस किया, और उससे मेरे अंदर एक बहुत गहरी उदासी आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो मेरे पास, जब उसे मेरे पास होना चाहिए था, वो मेरे पास नहीं है, और इस चीज ने मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर दिया था। फिर वो याद करते हुए कह रही है कि मुझे याद है कि किस तरीके से जब ईशान कुछ ही दिनों का था तो माता आई थी, और माता ने नवजात ईशान को अपनी गोदी में उठाया और उसे आशीर्वाद दिया था। उन्होंने अपनी उंगलियों को उसके माथे पे रखा और अपनी आंखों को बंद किया, और फिर हंसते हुए कहा कि तुमसे मिलने तुम्हारे पिता आए थे, और अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम कभी भी अपने पिता को भूलो नहीं। और उन्होंने ये एक तरीके से ईशान को ब्लेसिंग दी। तो मालिनी कहती है कि सुजाता कहती है कि माता के इस आशीर्वाद के बाद ही मुझे उद्धव की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। तो निश्चय ही माता ने मुझे एक बहुत गहरे सत्य की अनुभूति कराई थी कि वास्तविकता में जब कोई शरीर छोड़ के चला जाता है, उनमें और हमारे बीच में कोई वास्तव दूरी नहीं होती, यह एकमात्र भ्रम ही होता है या माया ही होती है। तो आप में से अगर किसी को ये याद नहीं है, तो जो उद्धव थे जिनका मर्डर हो जाता है, जो मालिनी के हस्बैंड हैं, सुजाता अब सुजाता के हस्बैंड हैं, इनका जो इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग होता है, इन अदर वर्ड्स वो मृत्यु के बाद भी उनकी उपस्थिति रहती है सुजाता की जिंदगी में, और सुजाता ईशान को ईशान जब बड़ा हो रहा होता है तो सुजाता पल पल उद्धव को महसूस करती है, उससे बात करती है, उससे बहुत चीजें पूछती है, जैसे उसका अग्रीमेंट लेती है। तो इस तरीके से इनका इंटरडायमेंशनल पेरेंटिंग होता इन्होंने ये करते हैं।
फिर वो कहती है कि एक साल बीत गया और मैं अब अपने नए जीवन की दिनचर्या में अच्छे तरीके से रम चुकी थी। कुछ ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे होते थे, मैंने उनकी मदद करना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं सभी बच्चों के कपड़ों को लेकर के, जो पीछे हमारे प्रांगण के बाहर एक नदी की धारा बहती थी, मैं वहां गई। वहां पे मैंने सबके कपड़े धोए और मैं वापसी में आते समय मैं थोड़ी देर जो वहां का उद्यान था वहां पे रुक गई। ईशान के नींद का समय हो रहा था और ईशान पहले खेलता रहा और फिर वो मेरे पास आ गया और लेट गया। जब मैंने उसकी आंखें मूंदती देखी तो मैं भी सो गई। जैसे ही मैं सोई, मुझे एक ऐसा सपना आया जो मुझे नहीं पता कि वो सपना था या नहीं, पर मैंने ये महसूस किया कि उद्धव आया है और आकर के वो हम दोनों की बगल में बैठ गया है। फिर उसने कहा, मालिनी, हमारा बेटा बहुत ही सुंदर है। तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से बड़ा कर रही हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम रुक्मिणी देवी की देखभाल के अंदर हो। और मैं सपने में ही उठकर बैठ जाती हूँ और मैं मुस्कुराते हुए कहती हूँ कि उद्धव, आप यही हैं? तो वो आगे से कहते हैं कि बेशक मैं यही ही हूँ, और मैं कहाँ जाऊंगा। फिर सपने में ही मैं फिर से लेट जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही शांत महसूस करती हूँ उद्धव की उपस्थिति में। उद्धव ने कहा कि मालिनी, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा। अब मेरे जाने का समय है, पर मुझे खुशी है कि तुम अच्छे हाथों में हो और मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि जब तुम दुखी होती हो तो मैं उसे महसूस करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी भी तरीके से दुखी हो। मालिनी, सुजाता ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और लेकिन तुम्हारा जाना क्या जरूरी है? तो उद्धव कहता है कि हाँ, अब मेरा जाना जरूरी है और तुम मुझे खुशी खुशी विदा कर दो। मालिनी कहती है कि मैंने सोचा, सपने में ही ये सपना ही चल रहा है। वो कहती है कि मैं सपने में सोचती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, अब तुम्हें चले ही जाना चाहिए, तुम भी अपनी यात्रा में अब आगे बढ़ो। उद्धव उठता है, आगे चलता है, थोड़ा सा मुड़ कर देखता है और कहता है कि मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चय ही हम दोबारा फिर से मिलेंगे। अचानक से इसकी नींद खुल जाती है और सुजाता को थोड़ा समय लगता है समझने में कि वो कहाँ पे है। फिर उसे याद आता है कि वो तो उद्यान में है, वो तो कपड़े धोने आई थी और साथ में ईशान सो रहा है। अब इससे थोड़ी देर ये माइंड में एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मैंने देखा वो सपना था या वो वास्तविकता थी। और फिर वो उन सब शब्दों को याद करती है कि वो जो उद्धव ने उसे सपने में कहे कहे थे, तो उसे ये कहीं समझ में आता है कि वो उसको अलविदा कहने आया था। अब उसकी मृत्यु को अब जैसे कुछ वर्ष हो चुके थे और अब वो प्रस्थान कर रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं और उसे बुला लिया गया था और सुजाता को उसे वापस पकड़ के नहीं रखना था। तो ये कहती है कि उसे जाने देने में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। ये सब रुक्मिणी देवी का आशीर्वाद ही था कि वो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रह पाया, जब तक कि मैं उसकी मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकार करने में और अपने लिए एक नया जीवन शुरू करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हुई, तब तक वो मेरे पास रहा। और अब मैंने वास्तव में ही अपने इस नए परिवेश में, अपने इस नए जीवन के लिए मैं एक तरीके से एडजस्ट हो गई थी। तो वो कहती है, ये सब मेरे साथ होता है और मैं वापस आती हूँ। जब मैं क्वार्टर्स में आती हूँ तो वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि एक नई सी ऊर्जा है यहाँ पे, जैसे कि आनंद ही आनंद है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे वो कहती है कि मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे कोई त्योहार मनाया गया हो और जैसे त्योहार के मनाने के बाद लोगों में एक बड़ी प्रसन्नता का माहौल होता है, कुछ ऐसा ही माहौल हो गया था। तो ये सोचती है कि मैं तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गई थी, तो इन कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ का पूरा माहौल ही बदल गया। इतने में एक महिला आती है, जो एक और महिला जो वहां पे रहती है, और वो कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, हम तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे कमरे में भी गए। तो आगे से वो महिला कहती है, तुम्हें पता है माता आई थी? तो इसने बोला, अच्छा, माता आई थी? तो उसने आगे से बोला कि हाँ, और अनुमान लगाओ कि मैं अपने साथ किसको लेकर आई। इससे पहले कि सुजाता कहती है कि मैं कुछ पूछ पाती किसको, इतने में वो महिला जल्दी से वहां से चली गई। तो
तो मुझे लगा कि हो सकता है माता कुछ खास लोगों को लेकर आई होंगी, पर कहती है कि मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं माता से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि जब भी माता वहां आती थी उन सबसे मिलना एक दुर्लभ अवसर के समान होता था, क्योंकि कभी-कभी हम महीनों तक उन्हें नहीं देखते थे। इतने में सुमति आती है और सुमति कहती है कि सुजाता, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे पर तुम हमें कहीं मिली नहीं। तो वो कहती है कि मैं कपड़े धोने गई थी और वहीं उद्यान में मैं और ईशान सो गए और मुझे खेद है कि मैं माता से नहीं मिल पाई। तो सुमति बोलती है कि माता के साथ श्री कृष्ण आए थे आज वुमेन्स क्वार्टर्स में, और यही कारण है कि उनकी उपस्थिति में सबने इतना आनंद महसूस किया है, और यही कारण है कि यहाँ की जो ऊर्जा है वो इतनी इतनी मतलब इतनी आनंदित है इस समय पर। तो वो ये कहते हैं, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। जी, जी, बच्चे पीछे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो इट्स ओके। जी क्लोज द डोर, थैंक्स। जी, तो वो ये कहती है कि श्री कृष्ण आज क्वार्टर्स में आए थे और यही एक वजह है कि यहाँ की पूरी जो ऊर्जा है वो एक रूपांतरण हो गया है उसका। तो वो ये कहती है कि मैं और भी उदास हो गई, मुझे लगा कि मैं तो आज तक श्री कृष्ण से, मतलब वो ये जब बच्ची होती है तो इसने दूर से श्री कृष्ण को देखा होता है, उसके बाद ये श्री कृष्ण से अभी तक मिली नहीं है, तो इसे लगता है कि इसने एक अवसर गवा दिया। तो सुमति बोलती है, तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि माता अवश्य ही तुम्हारे मिलने के लिए कोई ना कोई और अवसर ढूंढ लेंगी। तो सुजाता कहती है, अगले कितने ही दिनों तक सभी महिलाएं बस एक ही बात करती थी और वो थी श्री कृष्ण के बारे में। कोई ये कहती थी कि उनकी हंसी कितनी सक्रामक है, कोई ये कहती थी कि उनकी आंखों में कितनी खुशी है, और सो कृष्ण का आना एक नए उत्थान को लेकर आना था। तो ये जो वुमेन क्वार्टर्स थे यहाँ पे, ये जो अनुभव था ये बहुत हफ्तों तक रहा। तो सुजाता कहती है, हालांकि मैं श्री कृष्ण से मिली तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्थान की जो ऊर्जा में रूपांतरण हुआ था, मुझे भी बहुत ही गहरी शांति और संतोष महसूस हुआ। कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद भी ये जो ऊर्जा है ऐसी ही रही। सुजाता कहती है कि धीरे धीरे मेरे दिमाग में उद्धव की छवि फीकी पड़ती गई और मैंने पाया कि मैं अब उसके बारे में बहुत कम सोचती हूँ। अब एक दिन अम्बा आती है और उसको कहती है कि सुजाता, जहाँ तुम्हारा पुराना घर था मैं वहां पर गई थी, और वो कहती है जैसे ही उसने ये कहा, जैसे मुझे मेरे पूरे शरीर में एक तनाव आ गया और मैंने उससे पूछा कि वहां पर मतलब क्या स्थिति है। तो अम्बा कहती है कि लोग कहते हैं कि तुम और उद्धव, कुछ लोग कहते हैं कि तुम और उद्धव दोनों ही मारे गए हो, और कुछ लोग कहते हैं कि उद्धव ही मारा गया है लेकिन जो मालिनी थी वो भाग गई थी। महेंद्र को यही विश्वास है कि तुम भाग गई हो और जिंदा हो, और उसने ये कसम खाई है कि जिस दिन तुम उसे मिल गई वह उस दिन तुम्हें मारेगा और तुम्हारे मृत शरीर को पूरे द्वारका में घसीट घसीट के लेके जाएगा। ये सब सुनते ही सुजाता के अंदर बहुत ही एक डर आता है, और डर के साथ साथ एक नफरत भी आती है। नफरत पहले से ही है और नफरत बढ़ जाती है। फिर अम्बा कहती है कि सुजाता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। महेंद्र ने यहाँ तक आकर के वुमेन क्वार्टर्स में भी पूछताछ कराई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मालिनी को कोई नहीं जानता और ईशान की तो किसी को भनक भी नहीं है, इसलिए जब तक तुम इस महल की दीवारों के अंदर हो तब तक तुम सुरक्षित हो, तो तुम चिंता मत करो। सो थोड़ी ही देर में फिर अम्बा कहती है कि चलो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, मुझे अपने पति के घर लौटने से पहले ही घर पे रहना जरूरी है, और आजकल वो मुझ पर बहुत नजर रखता है, वो देखता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ नहीं जाती हूँ, कितने समय के लिए जाती हूँ। लेकिन तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना, तुम बस माता पे विश्वास करो और सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि जब भी अम्बा आती थी और मैं और अम्बा घंटों घंटों बैठकर बातें करते थे, तो ईशान और काशनी आपस में छोटे छोटे बच्चे थे तो वो खेलते रहते थे, और काशनी थोड़ी बड़ी थी ईशान से तो वो पूरा उसका ध्यान रखती थी। तो बस हम अब आगे चलते हैं। अम्बा ये चली जाती है,
और उसके बाद अब हम आएंगे कि कैसे पहली बार जो सुजाता है ये अर्जुन से कैसे पहली बार मिलेंगे। तो चलिए, सुजाता कहती है कि एक दिन सुमति बहुत ही जल्दी जल्दी मेरे पास आई और मुझे आके बोलती है, सुजाता जल्दी करो, माता ये चाहती हैं कि मैं तुम्हें शहर के पूर्वी द्वार की ओर ले जाऊं। तो सुजाता कहती है कि माता ये चाहती हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं। तो उसने कहा, हाँ, पांडु पुत्र अर्जुन जो कि तीसरे पांडव भाई हैं वो और इस समय के महान योद्धाओं में से एक है, द्वारका आ रहे हैं और श्री कृष्ण उनका स्वागत करने के लिए पूर्वी द्वार पे गए हैं। अब जब श्री कृष्ण पहले क्वार्टर में आए थे तब तुम उन्हें मिल नहीं पाई थी, तो हो सकता है अगर अब हम थोड़ा जल्दी करें तो तुम उनकी एक झलक पा सकती हो। तो ये कहती है कि जल्दी से ही मैंने छोटे से शान को गोदी में उठाया और सुमति मुझे खींचती सी हुई मुझे आगे ले गई और हम पूर्वी द्वार की ओर गए, नगर के पूर्वी द्वार की ओर गए। कहती है, हम ऑलमोस्ट भागते भागते ही वहां पर पहुंचे और मैंने अपने सर को पल्लू से ढका हुआ था ताकि कोई मुझे देख ना सके या पहचान ना सके। वहां पे बहुत भीड़ थी। वहां पे पहुंचकर पता चला कि हम थोड़ा देर हो चुकी थी हमें और श्री कृष्ण पहले से ही जा चुके थे। बहुत सारे सैनिक थे जो कि रास्ता साफ करने में लगे हुए थे ताकि जो पांडव योद्धा का रथ है वो आगे बढ़ सके। इतने में अचानक ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा रथ जो कि सुसज्जित था और अब अचानक से ही वो कुछ ही कदमों की दूरी पर मेरे सामने खड़ा था। वो कहती है, इतनी भीड़ होते हुए भी मुझे नहीं पता कि हम ऐसी जगह पे कैसे आके खड़े हो गए थे कि जहाँ वो रथ बिल्कुल मेरे से कुछ बहुत ही करीब ही था वो। तो ये कहती है कि मैंने देखा कि उसमें एक महारथी था। मैंने इससे पहले किसी व्यक्ति को इतना गहना पहने हुए नहीं देखा था। उसकी गर्दन और कानों पे बड़े बड़े गहने लटके थे, वो सब स्वर्ण के थे। उसकी बाहें सुडौल थी और कई गहने उनकी बाहों के चारों ओर भी लिपटे थे। दोपहर की सूरज की किरणें उनके चेहरे को ऐसे सुसज्जित कर रही थी कि मानो वह सोने जैसा ही उज्जवल हो। मैं कल्पना नहीं कर पा रही थी कि क्या वे स्वयं सूर्य देव ही हैं। तो सुजाता कहती है कि मैं टकटकी बांध कर उसे देखती रह गई और मैं नहीं जानती थी कि क्या ये मेरी कल्पना है, पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखें भी क्षणिक रूप से मुझ पर आई थी। मैं निःशब्द हो गई और इतनी मोहित हो गई कि मैं हिलडुल भी नहीं रही थी। रथ थोड़ी ही देर में आगे बढ़ गया। अभी मैं इससे उभर भी नहीं पाई थी कि अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। इतने में मैंने मुड़ के देखा तो एक युवक खड़ा था जो देखने में कुछ 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 अभिषेक जैसा लग रहा था। और इतने में ही मुझे ध्यान आया कि मेरा पल्लू जो था वो मेरे सर से उतर चुका था। मैंने फटाफट अपने पल्लू को सर पे डाला और अपना चेहरा ढक लिया। अभिषेक वो है जो इनके भाई थे, मतलब जो चले गए थे फिर बचपन में ही। तो अभिषेक ने फिर से मुझे पुकारा, मालिनी ये तो तुम ही हो। तो इतने में सुमति आगे आती है और सुमति कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इसका नाम सुजाता है। और यह कहकर वह जल्दी से इसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाती है। ये लोग वापस पहुंच जाते हैं। अब वापस आकर के जो सुजाता है थोड़ी इमोशनल हो जाती है। एक तो उसको ये लग रहा होता है कि वो शायद अभिषेक ही था और दूसरा ये कुछ सम्मोहित सी हो जाती है अर्जुन को देखने के बाद। तो इस घटनाक्रम के कुछ हफ्तों बाद एक दिन रुक्मणी वुमेन क्वार्टर्स में आती है और जब मौका मिलता है तो सुजाता जो है रुक्मणी के पास पहुंचती है जब आसपास कोई और नहीं होता और पूछती है कि माता, आपने मुझे पूर्वी द्वार पे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भेजा था, तो उसके बाद से मैं बहुत ही इमोशनल महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो माता बोलती है कि मैंने तुम्हें वहां पे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नहीं भेजा था। मुझे पता था कि कृष्ण तब तक वहां से निकल जाएंगे। मैं ये चाहती थी कि तुम एक बार अर्जुन से मिलो। तो आगे ये थोड़ा जो इसका चेहरा होता है थोड़ा कंफ्यूज होता है सुजाता का। तो माता कहती है कि सुजाता, श्री कृष्ण की रोशनी सहस्त्र सूर्य की तरह है जो कि साधारण लोगों के लिए बहुत ज्यादा उज्जवल है, इसलिए वो कभी कभी उसका सामना नहीं कर पाते। लेकिन अर्जुन एक चंद्रमा है जो विनम्रता पूर्वक कृष्ण के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है,
इसलिए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखना कहीं अधिक आसान है। और फिर वह हंसते हुए कहती हैं, मुझे खुशी है कि मेरे प्रिय अर्जुन की झलक तुम्हें देखने को मिली, और कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल से उसका एक रिश्ता कायम हो गया है। वो तुम्हारे आहत हृदय को खोल सकता है। और मैं उस दिन यही कारण था कि मैं उस दिन ये चाहती थी कि तुम अर्जुन से मिलो। अब सुजाता जो है ये समझ नहीं पा रही कि माता क्या कह रही है, तो ये कहती है कि माता मुझे ये तो नहीं पता आप क्या कह रही हैं, ये मेरी समझ के परे है, पर मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने कह दिया, आप जो भी दिशा मेरे लिए निर्धारित कर रही हैं मैं खुशी खुशी उस पर चलने को तैयार हूँ। इतने में रुक्मणी देखती है कि सुजाता के मन में अभी भी कोई प्रश्न है या कोई संदेह है, तो वो कहती है, सुजाता पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? तो सुजाता कहती है, माता अर्जुन तो राजकुमार है, क्षत्रिय है, एक महावीर है, एक योद्धा है, और कृष्ण उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं एक साधारण वैश्य समाज, शूद्र समाज से, और एक नृत्यांगना, जो कि अब नृत्यांगना भी नहीं रही, तो मुझसे उनका क्या लेना देना? तो मैं इतना आकर्षण उनके लिए क्यों महसूस कर रही हूँ? तो रुक्मणी कहती है कि सुजाता तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा ही है? अगर वो सिर्फ एक योद्धा ही होता तो क्या श्री कृष्ण उसमें इस तरह की रुचि लेते? वे कहते हैं कि जीवन में एक भौतिक युद्ध होता है और एक उससे भी गहरा अंतर्मन का युद्ध होता है। भौतिक युद्ध के दौरान और एक एक भौतिक युद्ध का मैदान होता है और एक अध्यात्म का मैदान होता है, और एक ऐसा इंसान जो दोनों का ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो वह ढूंढना दुर्लभ है, और यही अर्जुन है। तो कृष्ण उसे एक अनदेखी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, वह लड़ाई जो हम सबके अंतर्मन के भीतर निहित है, और इस प्रयास में सफल होने के लिए अर्जुन को असाधारण इच्छा शक्ति और पूर्ण अलगाव को विकसित करना होगा, जिसको इस समय पे कृष्ण प्रशिक्षित कर रहे हैं उसको इस चीज के लिए। इस प्रशिक्षण का ये मकसद है ताकि वह अपनी क्षमता में आगे बढ़ सके और दूसरों के लिए एक दिन एक उदाहरण बन के खड़ा हो। अब तुम्हारा और अर्जुन का भविष्य क्या होगा यह समय बताएगा। फिर माता ने कहा, सुजाता मुझे खुशी है कि अब तुम दूसरे लोगों की सेवा कर रही हो। मुझे सुमति ने बताया कि तुम सफाई करने में या कपड़े धोने में यहाँ पे सबकी मदद करती हो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे कर्तव्य एक सेविता सेविका के होते थे, वो समय अब बीत चुका है। अब मैं तुम्हें तुम्हें एक प्रतिभा है और एक रचनात्मकता है, अब तुम इस चीज को लेकर आगे जाओ। यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं, तुम उन्हें नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को सीखने में मदद करो, यही तुम्हारी सेवा होगी, और यह द्वारका की सेवा करने का भी बहुत बेहतर तरीका है। जब ये औरतें यहाँ से इन क्वार्टर से बाहर निकलेंगी और शहर में जाएंगी, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा जो उनके जीवन को समृद्ध करेगा। और वो कहती हैं कि मैं सुमति से बात करूंगी इस बारे में, और क्योंकि मैं अब ये भी चाहती हूँ कि तुम धीरे धीरे अपने बेटे को भी नृत्य सिखाना शुरू करो, क्योंकि एक दिन वो एक बहुत प्रसिद्ध नर्तक बनेगा और वह पूरे क्षेत्र में जाना जाएगा और अपने पिता को भी पीछे छोड़ देगा। फिर रुक्मणी उठती है वहां से, आगे बढ़ती हैं, थोड़ा आगे जाती हैं, मुड़ती हैं और एक मुस्कान के साथ सुजाता की ओर देखती हैं और कहती हैं, जो भी तुमने अर्जुन के साथ अनुभव किया इसको अब अपनी स्मृतियों में बंद कर दो, समय के साथ उद्देश्य खुद को स्वयं प्रकट कर देगा। रुक्मणी चली गई और मुझे उन शब्दों पे प्रतिबिंबित करने के लिए छोड़ दिया। प्रत्येक दिन समय समय पर अर्जुन की छवि मेरे दिमाग में आती थी और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी, और मुझे अपने हृदय में एक उत्थान की भावना प्रतीत होती थी। इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती थी और समझ भी नहीं सकती थी। अगली बार जब अम्बा मुझे मिलने के लिए आई, तो मुझे देखकर तुरंत ही बोली, सुजाता तुम में तो बहुत बदलाव आया है, तुम बहुत अलग लग रही हो। तो मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, कुछ खास नहीं। तो आगे से अम्बा बोलती है कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ और तुम्हें मुझसे कोई भी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि जो गहरे बादल तुम पर छाए थे वो छट से गए हैं।
तो सुजाता ने अम्बा को उस दिन के बारे में बताया जब श्री कृष्ण आए थे और किस तरीके से उस दिन उसे एक ये स्वप्न आता है और जिसमें वो एक तरीके से उद्धव को अलविदा कहती है और उसके बाद से वो बहुत ही हल्कापन महसूस करती है। तो इस पर अम्बा बोलती है कि बस इतना ही। तो आगे से ये कहती है कि फिर ये आगे से उसको बताती है कि कुछ सप्ताह पहले माता ने मुझे अर्जुन का आगमन देखने के लिए भी महल से बाहर भेजा था और इतनी भीड़ के बावजूद मुझे एक मौका मिला कि मैं उसको तत्करीब से देख पाई। और अम्बा ये एक बहुत ही सशक्त क्षण था मेरे लिए। अब वो कहती है कि मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अपने जो मेरे दिल में चल रहा था कि मैं उसे छिपा लूं, लेकिन जैसे ही मैंने अर्जुन का नाम लिया मेरी आंखों में चमक आ गई। तो अम्बा ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया है? तो मैंने उसे कहा कि इतनी शर्मिंदगी भरी बातें मत करो, यह मुझे मुझे अपने मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसा महसूस होता है, लेकिन अगर मेरा प्रेम है तो वैसा प्रेम नहीं है जैसा मैंने उद्धव के साथ महसूस किया। ये कुछ बहुत गहरा प्रेम है जिसमें बहुत ज्यादा सम्मान निहित है। इस पर अम्बा कहती है, सुजाता, अगर माता ने तुम्हें वहां भेजा था तो वह निश्चय ही किसी बहुत गहरे उद्देश्य के अंतर्गत ही होगा। और वो कहती है, मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ की कई महिलाओं को अर्जुन के साथ ऐसा ही अनुभव हुआ है। ऐसा लगता है कि मैं इन महिलाओं को अर्जुन के पास भेजकर माता ही कुछ निर्देशित कर रही हैं, जो कि भविष्य में अवश्य ही उजागर होगा कि इस समय का इस सब का क्या उद्देश्य है। और फिर वो कहती हैं कि इस पर अब जो सुजाता है फिर वो अपने मन को व्यक्त करती है और अम्बा को कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरा एक एक इतने महायोद्धा से मेरा क्या नाता हो सकता है, वो इतने श्रेष्ठ हैं और मैं। तो इस पे अम्बा कहती है, श्रेष्ठ से तुम्हारा क्या मतलब है? बोलती है कि रुक्मिणी देवी के क्वार्टर्स में इस तरह के विचारों की कोई अनुमति नहीं है, हम सब यहाँ पे बराबर हैं। रुक्मिणी और श्री कृष्ण अर्जुन को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वह भविष्य में दूसरों का उत्थान करने के लिए समर्थ बने। फिर आगे से अम्बा अपने विचार बताती है सुजाता को। वो कहती है कि देखो, माता और श्री कृष्ण चाहे वो मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी वो शायद हमारे जीवन का वैसा अनुभव नहीं करते जैसा हम करते हैं, लेकिन अर्जुन एक मनुष्य है, वो हमारी तरह ही जीवन की यात्रा में सभी मानवीय परीक्षणों और चुनौतियों से गुजरता है, वैसे ही पीड़ित होता है जैसे हम पीड़ित होते हैं। इसलिए वह ऐसा इंसान ही हमें हमारी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसा कि वो जब वो खुद रास्ते पे चलेगा, जब वो उन दुखों को सहेगा, तो वो हमारे लिए कल को एक नायक बन के खड़ा होगा और वो हमें निर्देश दे सकेगा, एक प्रेरणा बन सकेगा कि हम अपने दुखों से उठकर अध्यात्म की ओर कैसे आगे जाएं। तो इस पर अब ये कहती हैं, अम्बा कहती हैं कि माता सिर्फ हमारी भावनात्मक और शारीरिक सुख सुविधाओं और जरूरतों का ध्यान ही नहीं रखती, पर वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति का भी ध्यान रखती हैं। और हमेशा ही जो रुक्मणी है वो लोगों को सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो कभी भी तुम्हारे मन में कोई सवाल आए तो तुम उसे अवश्य ही पूछो। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितने संदेह हैं, आपके अंदर कितने सवाल हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं पसंद करती वो है उदासीनता, कि जब कोई इस चीज की भी परवाह नहीं करता कि वो सवाल करे। सभी लोग यही सोचते हैं कि रुक्मिणी का अस्तित्व सिर्फ कृष्ण की पत्नी तक ही है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका अस्तित्व जो है वो इससे कहीं अधिक है। अब फ्रेंड्स, आप में अगर अगर आपने दीना मरियम के हमने कुछ स्वाध्याय किए थे ज्ञान भारत में, अगर आपने उन स्वाध्याय को नहीं सुना तो यहाँ पर हम ये थोड़ा सा फिल इन कर देते हैं कि जो दीना मरियम है ये परमहंस योगानंद को अपना गुरु मानती हैं
और इन्होंने अपनी हर किताब में कितने कितने पेज जो हैं ये डेडिकेट करती हैं योगानंद को, और वो इनकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। यहाँ तक कि वो ये कहती हैं कि जो मैं ये सिद्धायन मैंने लिखी या मैं जो भी बुक्स लिखती हूँ अपनी मेमोरीज में ट्रेवल करके, ये सब इसी कारण हो पाया है कि मतलब ये गुरु उनके गुरु की ही कृपा है, वो ये मानती हैं। और जब वो ज्ञान भारत में आई थी तब भी उन्होंने अपने गुरु के बारे में बोला था। तो जब वो ज्ञान भारत में आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेरा पहला कनेक्शन हुआ था मेरे गुरु के साथ वो महाभारत काल में हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा था उसी इंटरव्यू में कि जो योगानंद है इनका जो क्लोज सर्कल है वो ये जानता है कि जो योगानंद थे वो ही अर्जुन थे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जो सुजाता और अर्जुन का जो एक आध्यात्मिक रिश्ता बनता है वो द्वापर में बनता है, और जो हम आज तक देख सकते हैं कि वो रिश्ता जो है दीना मरियम और परमहंस योगानंद का है। चलिए तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अब टॉपिक को बदलते हैं और ये कुछ ऐसा सुनते हैं कि किस तरीके से जो सुजाता है और उनके अंदर जो वृत्तियां हैं जो उनके संस्कार हैं वो कैसे विलय होते हैं, और उनमें की रुक्मणी देवी क्या भूमिका उसमें निभाती हैं। और फिर एक कहीं ना कहीं बार बार डीना इस किताब में ये टच करती हैं कि ये तो मेरी एक कहानी है कि जो मैंने सुजाता बन के एक्सपीरियंस किया, लेकिन वुमेन क्वार्टर की हर औरत की और एक हर पुरुष की एक कहीं ना कहीं यही कहानी थी। तो हम ये सोच सक हम ये समझ सकते हैं कि कितना कितना वहां पे उत्थान हो रहा था लोगों का, लेकिन जब एक एक इंसान की जिंदगी इतना बदल गई तो कितने लोगों की वहां पे जिंदगी बदली होगी। अब सुजाता जब से वुमेन्स क्वार्टर्स में आई होती हैं तो जब इनकी जो टांगे होती हैं वो झुलस चुकी होती हैं, जब इनके साथ जब एक्सीडेंट हुआ होता है, जब उद्धव का मर्डर होता है, तो जो लोग उद्धव को मार रहे होते हैं जब ये भागना शुरू कर देती हैं तो वो लोग उनके हाथ में एक मशाल होती है तो वो मशाल फेंक देते हैं। जब वो मशाल इसके ऊपर फेंक देते हैं तो उसके कपड़ों में आग लग जाती है और उसके बाद ये बेहोश होके वहां पे गिर जाती है। जब वो आग लगती है तो उसकी वजह से इसकी जो टांगे होती हैं ये बुरी तरह से झुलस जाती हैं, और ये हील हो चुकी होती है और चलना तो जल्दी ही शुरू कर देती है, लेकिन ये थोड़ा लंगड़ा करके चलती है, इसकी टांगों में एक लिंप सा आ जाता है। और वैसे ये नर्तक होती है, कुशल नृत्यांगना इस सबसे पहले, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होता है कि जो मेरा पैशन था अब वो मतलब चला गया है मेरे इस एक्सीडेंट के बाद। तो एक दिन क्या होता है कि रुक्मिणी इन्हें संदेश भेजती है सुमति के हाथ कि अब एक सप्ताह के बाद तुमने महल में नृत्य का प्रदर्शन करना है। अब ये कहती है कि मैं तो नहीं कर सकती, ये सुमति को कहती है मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं नहीं कर सकती, मैं तो अब नृत्य कर ही नहीं सकती, मैं तो मेरी तो टांग ही ठीक नहीं है। तो सुमति कहती है कि सुजाता तुम्हारे पास एक हफ्ता है, तुम्हारे जो भी इस नृत्य के जो भी तुम्हारे मतलब सीक्वेंस था स्टेप्स था तुम उसे अच्छे से याद कर लो, एक हफ्ते बाद नृत्य का प्रदर्शन होगा, माता पे तुम विश्वास रखो, जब माता ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। ये आगे से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सुमति को कहती है कि सुमति मैं नहीं चाहती कि मैं माता को शर्मिंदा करूं और या सबके सामने वहां जाकर के अपना मजाक बनवाऊं, तो मुझे नहीं पता कि माता ने ऐसा क्यों मुझे कहा, क्यों नृत्य का अनुरोध किया है, उनको तो पता है कि मैं विकलांग हूं, तो मैं विकलांग हूं तो मैं कैसे ये कर पाऊंगी। तो सुमति आगे से कहती है कि सुजाता तुम अभी तक तुम्हारा जो विश्वास है वो माता पे दृढ़ नहीं हुआ है, शायद यही कारण होगा कि वो तुम्हें इस तरीके से ये नृत्य करने को कह रही हैं। हो सकता है कि अपने प्रति तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए ही ये सब हो रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या मकसद है, मैं तो तुम्हें आकर माता का संदेश देने आई थी। तो ये आगे से बोलती है कि ये आगे बैठ जाती है, सोचती है, बोलती है, ये कहती है कि ये विश्वास का मामला नहीं है, जब मैं विकलांग हूं, जब मेरी टांग ही नहीं चलती तो मैं नृत्य कैसे करूंगी। और सुमति ने से ये भी कहा होता है कि तुम्हें महिषासुर मर्दिनी का जो नृत्य है वो तुम्हें करना है, और ये कहती है कि जो दुर्गा देवी का नृत्य होता है उसके लिए मेरी माँ को और मुझे दोनों को ही जाना जाता था,
द्वारका में और आसपास के शहरों में, लेकिन उसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होती थी और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस नृत्य को कर पाऊंगी। वो कहती है कि मैं वैसे एक भी मुद्रा भूली नहीं थी, पर मेरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मेरी अब जो टांगे थी वो कमजोर थी, और जब माता जानती हैं कि मैं विकलांग हूँ तो वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कह रही हैं कि मैं आकर के नृत्य करूं। फिर वो कहती हैं कि एक बारी माता ने कुछ वर्षों पूर्व मुझसे पूछा था कि तुम नृत्य करना चाहोगी दोबारा से, तो उन तो मैंने कहा था नहीं, उद्धव के साथ मेरा नृत्य भी अब मर चुका है। तो अब बोलती है कि मैं बहुत ही हताश हो गई, एक हफ्ते बाद मुझे ये नृत्य करना था और मैं रोज ही बैठ करके उदासी में ये सोचती थी कि पता नहीं क्यों मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया है, पता भी है तो भी, मतलब इसको अंदर से एक शिकायत सी हो जाती है कि इसको सब पता है फिर भी मुझे ऐसे कर दिया, मेरा मजाक हो जाएगा वहां पे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इस स्टेज से, इन विचारों से थोड़ी बाहर निकलती है क्योंकि इसे समझ आ गया होता है कि अब माता ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। तो फिर ये एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में जाती है और कहती है कि मैंने ये सोचा कि मुझे इस बात की इतनी परवाह क्यों है कि मैं नृत्य कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर उसे एहसास होता है कि शायद मैं एक निपुण नृत्यांगना के रूप में अपनी छवि को बनाए रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस छवि से इतना अटैच हूँ, और इसलिए ही शायद मुझे ये डर है इस समय पे कि कहीं वो मेरी छवि भंग ना हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा ये कहती है क्या हो जाएगा, मेरा प्रदर्शन खराब हो जाएगा, कोई वहां पे मुझे जानता नहीं है, कोई नहीं जानता कि नृत्यांगना मालिनी कैसी थी, मैंने आज तक महल में परफॉर्म किया नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है मुझे, कहीं ना कहीं वो कहती है कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा था कि ये करना तो है ही, तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा मानसिक रूप से। फिर वो कहती है कि खैर, मेरा करते करते मेरा प्रदर्शन का दिन आता है, मैं तैयार हो जाती हूँ अपनी पूरी ड्रेस पहन कर और मैं महल की तरफ जाती हूँ। तो महल की तरफ जाकर के मुझे पता चलता है कि श्री कृष्ण की सभी रानियां जो हैं, अन्य अन्य सभी रानियां भी वहां पर हैं, माता ने सबको ही बुलाया है और बहुत भव्य आयोजन किया है, और अर्जुन भी उसमें आए हैं उस नृत्य को देखने के लिए। अब कहती हैं कि मैं अपनी सब चिंताओं को और भय को एक तरफ रखते हुए मैंने खुद को समर्पण कर दिया। अब मैंने बोला कि माता, अब मैं समर्पित हूँ, अब जैसा आपकी इच्छा हो वैसा ही हो। कहती है मैं चलते हुए उधर जा रही थी हॉल की तरफ जहाँ पे प्रदर्शन होना था, और मैंने महसूस किया कि जब मैं चल रही थी तो मेरा लंगड़ापन नहीं था, और मैं कहती है कि मैंने अपनी आंखों ही आंखों में हैरान होते हुए सुमति की ओर देखा, तो सुमति मुस्कुराई और कहा कि माता बहुत लंबे समय से तुम्हारे हृदय में रखी हुई एक इच्छा की पूर्ति करवा रही हैं और तुम्हारे लंगड़ेपन को ठीक करने का कारण के रूप में इसे प्रयोग कर रही हैं, इस अवसर को। अब ये आगे बढ़ती है सुजाता, और सुजाता कहती है कि मैंने अपना नृत्य किया। कहती है कि जो दूसरा नृत्यकार था जो कि महिषासुर का रोल कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे उसमें महेंद्र दिखा और मैंने ऐसा नृत्य किया जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था, जैसे कि मैं दुर्गा ही बन गई थी। मैं भूल गई कि मेरे सामने कोई दर्शक बैठे हैं, मैं ये भी भूल गई कि ये प्रदर्शन है, मैं कहीं ना कहीं उस शक्ति का एक हिस्सा ही बन गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं म्यूजिक, मतलब मैं संगीत के साथ एकाकार हो गई, और मेरा नृत्य जब खत्म हुआ तो तब मुझे पता चला कि अभी खत्म हो गया है, और तालियों की गड़गड़ाहट हुई और मैं मुझे थोड़ा समय लगा उससे बाहर निकलने में, उस मानसिक स्थिति से, और मैं वहां से निकल करके आ गई और पीछे वाले कमरे में जाकर खड़ी हो गई। वहां पे इसे अंजलि मिलती है और ये बहुत ही भावुक होती है ये सोच करके कि माता ने उसके लिए कितना बड़ा, मतलब एक हीलिंग कर दी है कि उन्होंने इसकी जो विकलांगता जो थी, जो इसका लंगड़ापन था, उसे दूर कर दिया है, और साथ ही साथ उसके हृदय में ये एक इच्छा थी कभी कि वो पैलेस में कभी परफॉर्म करती, जो कि वो कहती है कि द्वारका के हर एक नृत्यकार के मन में एक इच्छा होती है कि हम एक पराकाष्ठा होती है आपके टैलेंट की कि आप जाकर के श्री कृष्ण और रुक्मणी के पैलेस में परफॉर्म करें। तो वो कहती है मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई थी, अब मुझे लगा कि मैंने माता पे संदेह क्यों किया। तो कहती है कि अंजलि बैठ गई मेरे साथ और उसने मुझे कहा कि माता ने ये सब तो किया ही है, साथ ही साथ तुम्हारे क्रोध का नाश किया है। कहती
एक ऐसा क्रोध जो शायद तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हारे अंदर था। तो ये सोचने लगती है कि हाँ, जैसे इसने महिषासुर का मर्दन किया उस नृत्य में, तो कहीं ना कहीं इसने महेंद्र को देखा और इसने अपना गुस्सा निकाला। तो फिर ये कहती है, अंजलि आगे कहती है कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी भावनाएं होती हैं जो जीवन भर हमारे अंदर रहती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर है, क्योंकि वो बहुत गहरी सतह पर छिपी रहती हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि हम उन्हें ऊपरी सतह पर आने दें और उन्हें भंग करें। जब हम ऐसा कर पाते हैं, तब ही हम उन वृत्तियों से मुक्त हो पाते हैं। और अंजलि ने उसे आगे कहा कि सुजाता, कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता और कुछ नहीं होती, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है। अगर आज तुम्हारी टांग, मतलब अगर लंगड़ी हो भी होती, तो भी तुमने जो डांस किया होता वो उतना ही असरदार होता। तो ये तुम्हारा जुनून था जिसने उस डांस में एक दम भरा था। और वो कहती है कि माता ने अर्जुन को तुम्हारे साथ हुई त्रासदी और तुम्हारी जली हुई टांगों के बारे में बताया था, और वह आपके प्रदर्शन से बहुत प्रेरित था। उसने ये टिप्पणी भी की कि वह चकित है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद तुम इतना अच्छा नृत्य कर पाए। और उसने कहा कि निश्चय ही तुम बहुत ही दृढ़ संकल्पी हो, और तुम्हारे दृढ़ इच्छा ने ही तुम्हें इतना सक्षम बनाया है कि तुमने इतना अच्छा नृत्य किया। और फिर अंजलि कहती है, सुजाता, ये तुम्हारे अंदर की दृढ़ इच्छा ही है कि जिससे तुमने इतना अच्छा नृत्य किया। सुजाता कहती है कि अंजलि की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैंने सोचा कि वो विकलांगता, जिसे मैं अभी तक एक अभिशाप के रूप में लेती थी, किस तरीके से आज एक वरदान बन गई है। ये सब माता के रहस्य का ही एक हिस्सा था, और मुझे समझ में आया कि पिछले सप्ताह की सभी घटनाएं उनके द्वारा ही निर्देशित थी। इस घटना के बाद मैंने उनके किसी भी कहने और करने के पीछे गहरे उद्देश्य पर सवाल उठाना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिसमें रुक्मिणी देवी ने जैसे बहुत कुछ किया, उसके अपने प्रति उसके विश्वास को मजबूत किया, उसका जो अंदर गुस्सा था, क्रोध था, उसको विलय किया, और फिजिकल तौर पे उसकी जो टांग थी उसको उसको मतलब ठीक कर दिया। तो एक एक तरह से स्पिरिचुअल हीलिंग भी है और फिजिकल हीलिंग भी है। तो इस तरह से मतलब वो कितने ही लोगों को इस तरीके से उनके संस्कारों से मुक्त करने में उनकी मदद करती थी, जैसा कि हमने सीतायन में भी ये पैटर्न देखा था, सीता भी यही करती थी। तो चलिए अब हम चलते हैं सुभद्रा पे। ये प्रसंग भी बहुत ही अच्छा है, सुभद्रा का सारा प्रसंग। तो अब करीबन हम बात कर रहे हैं 2 साल बाद की, इस प्रदर्शन के करीबन 2 साल बाद की। तो एक दिन अम्बा आती हैं फिर से सुजाता को मिलने के लिए, जैसे कि वो हमेशा आती हैं, और वो कहती हैं कि द्वारका में बहुत ही चहल पहल है, क्योंकि श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का विवाह होने वाला है। तो अम्बा बताती हैं कि कल उनका विवाह होने वाला है, तो खुशी भी है और उदासी भी है। खुशी इसलिए है कि विवाह हो रहा है, और उदासी इसलिए है कि विवाह दुर्योधन के साथ निश्चित हुआ है। अब इसमें फिर पूरा उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि दुर्योधन कौन कौन है, हस्तिनापुर का बैकग्राउंड बताती हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में एक टेंशन चलती है। वो सब पूरा बैकग्राउंड दिया महाभारत का, जो कि मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, क्योंकि वो हम में से सबको पता ही है। तो फिर ये अम्बा और सुजाता के बीच में बातें हो रही हैं। तो अम्बा कहती है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ निश्चित किया गया था, क्योंकि बलराम ने एक वचन दे दिया था दुर्योधन को, और जो द्वारका के लोग हैं वो इस चीज को जानते हैं कि जो दुर्योधन है वो एक बहुत उनका अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, वो एक बहुत मैनिपुलेटिव टाइप पर्सनैलिटी है। वो चीजों को अपने चीजों और परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो लोग अच्छा नहीं मानते हैं उनको। और द्वारका के लोग चिंतित हैं कि हमारी राजकुमारी की शादी दुर्योधन जैसे अगर इंसान से हो जाएगी तो वो खुश नहीं रहेंगी। अम्बा कहती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी और श्री कृष्ण अपने आप ही इस मसले को हल कर लेंगे।
क्योंकि उन्हें रुक्मिणी को पता है कि सुभद्रा नहीं चाहती कि दुर्योधन से उसकी शादी हो, तो इसका मतलब ये है कि अवश्य ही पहले पहले से ही कुछ ना कुछ योजना जरूर बनी होगी कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ना हो। अब ये शादी से एक दिन पहले की जो आपस में वुमेन क्वार्टर्स में बातें चल रही हैं वो है। अब सुजाता पूछती है कि अगर शादी हो गई तो शादी तो दूर भी नहीं है, कल ही है, तो आज और कल में ऐसा क्या हो जाएगा कि शादी नहीं होगी। और फिर वो थोड़ी चिंतित होती हैं कि अगर शादी हो गई तो सुभद्रा का क्या होगा। तो अम्बा कहती है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ये कहानी मुझे अंजलि ने कुछ समय पहले बताई थी। कहती है कि एक बार सुभद्रा माता के साथ वुमेन्स क्वार्टर्स में आई थी, और उस समय हम सबने ही एक चीज नोट करी कि किस तरीके से सुभद्रा जो है वो माता का इतना ध्यान रखती है। ऐसा लगता था कि सुभद्रा जैसे उनके रिश्ते में मतलब उनकी इतनी करीबी रिश्ते में ना होकर के जैसे कि उनकी एक अटेंडेंट हो, कि जैसे कि माता को प्यास लगी है, भूख लगी है, एक एक चीज का वो ध्यान रख रही थी। तो जब ये लोग उन सब लोगों ने देखा तो इनमें से कुछ लोगों ने फिर आगे अंजलि से सुमति से प्रश्न किया, तो अंजलि ने इन्हें बताया कि सुभद्रा जो थी वो अपने पूर्व जन्म में त्रिजटा थी, त्रिजटा जो कि लंका में रहती थी। और जो सीता जब सीता का जब अपहरण हो जाता है और वो अशोक वाटिका में रहती हैं, तो त्रिजटा नामक जो एक राक्षसी है वो इनकी सेवा करती है। और त्रिजटा इतनी सेवा करती थी कि जब माता लंबे सीता माता जब लंबे समय तक ध्यान में लीन हो जाती थी तो त्रिजटा को इतनी चिंता हो जाती थी कि वो कुछ खाती नहीं है, तो वो जो भी भोजन ग्रहण करती थी उसका एक एक निवाला इस भाव से अपने अंदर लेती थी कि वो भोजन उसके शरीर को ना लग करके माता के शरीर को लगे। तो वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उन्हें बहुत संबल देती थी, हर बार जाकर के वो जो भी खबर मिलती थी श्री राम की लक्ष्मण की वो ला ला करके सीता को देती थी। तो हर तरीके से उन्होंने सीता का बहुत ध्यान रखा था। तो जब श्री राम ने रावण वध कर दिया और फिर जब वो सीता को मुक्त कराने के लिए लंका आते हैं तो तब वो त्रिजटा से मिलते हैं, और श्री राम बहुत ही खुश होते हैं उसकी जिस तरीके से उसने सीता की सेवा की होती है। तो त्रिजटा उस समय पर उस त्रिजटा का जो पति होता है वो रावण की ही सेना में एक सैनिक होता है और वो युद्ध में मारा जाता है, और त्रिजटा उस समय पर लंका को छोड़ करके सीता के साथ ही अयोध्या जाना चाहती हैं, और वो ये इच्छा व्यक्त करती हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तो श्री राम उसे कहते हैं कि अभी लंका का एक तरीके से पूरे तरीके से लंका का पुनर्निर्माण होगा, तो ये बहुत जरूरी है कि जो लंका वासी हैं वो लंका में रहें। लेकिन साथ ही वो उसे एक वरदान देते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने अगले जन्म में मेरी बहन बनकर आओगी और उससे तुम्हें मेरे और सीता के सानिध्य का सुख प्राप्त होगा। और दूसरी एक चीज होती है कि जो त्रिजटा का विवाह हुआ होता है वो उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ होता है, उसका जो पति होता है मतलब उसका जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत सुखी नहीं होता, और सीता इस बात को जानती थी। तो सीता जो है वो उसे ये वरदान देती हैं कि जब तुम आगे नारायण की बहन बनके जन्म लोगी तो तब तुम्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा, और वही प्राप्त होगा जिसे तुम प्रेम करोगी, जिसे तुम चुनोगी। तो इस पर अब अम्बा कहती है कि इस जन्म में सुभद्रा के मन में जो बसता है वो अर्जुन ही है, और उस समय तक जो महल में एक खुफिया सी खबर फैल चुकी थी कि अर्जुन द्वारका में पहुंच चुके हैं। तो अंदर ही अंदर ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ कल अवश्य ही होने वाला है, कुछ भी हो अर्जुन यहाँ आ चुके हैं तो लगता नहीं कि दुर्योधन से शादी होगी, निश्चय ही अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होगा, क्योंकि जो भी वचन राम और सीता ने दिया था वह कृष्ण और रुक्मिणी अवश्य ही पूरा करेंगे। इतने में चलते चलते उद्यान में आ जाती हैं अम्बा और सुजाता, और वहां ये देखती हैं कि अंबिका देवी के मंदिर में अंजलि ध्यान में बैठी है। वो कहती है हम प्रतीक्षा करते हैं और हम वेट कर रहे हैं कि वे ध्यान से कब बाहर आए, क्योंकि हमें पता है कि अंजलि को जरूर ही ज्यादा खबर होगी जो कि हमें नहीं होगी, तो ये बहुत उत्सुक है इस समय पर। मैं 10 सेकेंड्स मैं पानी पीने लगी, 1 सेकेंड दीजिए।
जी जी पूजा जी, आराम से। यू। तो वो अंजलि की इंतजार करती हैं कि ये ध्यान से निकले और हम इससे अपने प्रश्न पूछें। तो कहती है कि जब अंजलि आंखें खोलती हैं तो अम्बा ने सीधा ही पूछती है अम्बा अंजलि से कि अंजलि कल क्या होगा। कहती है हम तीनों मंदिर में अकेले ही थे और कोई नहीं था, तो हम ये चर्चा करने के लिए एक तरीके से हमने अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया। तो अंजलि आगे से बोलती है कि कल शादी होगी। तो आगे से अम्बा कहती है कि किसके साथ शादी होगी सुभद्रा की। तो अंजलि कहती है अर्जुन के साथ। तो ये कहती है कि क्या माता ने इसकी व्यवस्था कर ली है। तो अंजलि कहती है कि माता ये जानती है कि सुभद्रा जो है वो अर्जुन को प्रेम करती है और इसी इसी वजह से कृष्ण और श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अर्जुन को द्वारका बुलाया है। तो हम तो ये कहती है हमने पूछा कि इन परिस्थितियों में सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे होगा, क्योंकि परिस्थितियों में एक बहुत टेंशन है इस समय पर। तो अंजलि कहती है मैं नहीं जानती कि कैसे होगा, पर मुझे इतना पता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई और हमें कल तक इंतजार करना होगा। मुझे पता है कि माता अर्जुन और सुभद्रा दोनों से ही आज सुबह मिल चुकी हैं और मैं थोड़ी हैरान हूं, मैं खुद थोड़ी हैरान हूं आज, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल कैसे ये घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। तो जो अंजलि थी ये सुबह जो रुक्मिणी के बहुत करीबी थी, तो कभी भी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि अंजलि को नहीं पता हो कि आगे क्या चल रहा है, बट इस समय अंजलि भी जो थी वो थोड़ी कंफ्यूज थी। तो अंजलि बताती है कि सुभद्रा और अर्जुन से मिलने के बाद आज सुबह मैं और माता बगी उद्यान में टहल रहे थे, तो हमने देखा कि आगे श्री कृष्ण बैठे थे। उन्होंने माता को हाथ से इशारा किया और अपने पास बुलाया और मैं कुछ कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। मुझे मुझे पता था कि श्री कृष्ण अवश्य ही माता से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। कहती हैं कि श्री कृष्ण की आंखों में एक चंचल मुस्कान थी और उनको पता था कि माता अभी अभी उनकी बहन से और अर्जुन से मिलकर आई हैं। ये गर्मियों के दिन थे और श्री कृष्ण के सामने फलों के रस से भरा एक गिलास पड़ा था। अब माता आकर के उनके सामने बैठ जाती हैं, तो बीच में एक मेज है और आमने सामने श्री कृष्ण और रुक्मिणी बैठे हैं और टेबल के जो सेंटर है उसमें एक फलों के रस से भरा एक गिलास है। तो अब अंजलि कहती है कि क्या होता है कि श्री कृष्ण उस गिलास को उठाते हैं और एक घूंट पीते हैं और उसे वापस मेज पे रख देते हैं, लेकिन उससे भिन्न स्थान पे जिस स्थान से उन्होंने उसे उठाया होता है। अब माता एक घूंट पीती हैं और वो उसी गिलास में से वो एक घूंट पीती हैं और फिर वो उसको एक और भिन्न स्थान पे रख देती हैं। अब ये दोनों ऐसे कर रहे हैं, एक घूंट पी रहे हैं और वो गिलास को उसकी पोजीशन लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है। अब अंजलि जो है ये बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। उसको उसको ये समझ में आता है कि ये सांकेतिक भाषा में आपस में कुछ योजना बना रहे हैं। तो ये सब करने के बाद जो कृष्ण है वो कहते हैं रुक्मणी को, कहते हैं लोक माद्री वर्षों पूर्व आपने जो वचन दिया था अब उसके पूरा करने का समय आ गया है। तो आगे से माता कहती हैं कि इस सब घटनाक्रम का बीज बहुत पहले बोया जा चुका है, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि इस इन घटनाओं के चलते किसी एक बहुत बड़े बलिदान की भी मांग की जाएगी, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ राज्य में शांति देखने की इच्छा में यह भूल गए कि इस वचन के बारे में भूल गए थे और उन्होंने स्थिति को थोड़ा गलत समझ लिया और इसके चलते वो दुर्योधन को वचन दे बैठे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये विवाह नहीं भी होगा तब भी दुर्योधन नारायणी सेना को पाने का कोई ना कोई और तरीका खोज ही लेगा, सुभद्रा तो सिर्फ एक मोहरा ही थी। तो इस पर माता कहती हैं कि कम से कम वो तो बच जाएगी। जो कृष्ण माता की ओर देखते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो बच जाएगी। तो रुक्मणी कहती हैं कि
मैंने ही इस सब का बीज बोया है, तो इसका फल अब मैं अपने ऊपर ही लूंगी। उसके लिए चाहे मुझे पूरे ब्रह्मांड को ही फिर से सुनियोजित क्यों ना करना पड़े। मैं तो कहती है, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी जगन्नाथ। तो कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अकेले नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसका जो भी परिणाम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह सिर्फ इसलिए ही नहीं हो रहा कि वो आपस में प्रेम करते हैं, बल्कि इस विवाह की वजह से भविष्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा और उसका परिणाम समय के साथ ही लोगों को पता चलेगा। और ये सब सारी बातें जो अंजलि है इसके कान में पड़ती हैं, तो अब ये पहले तो कंफ्यूज थी कि सांकेतिक भाषा में ये सब हो रहा है, अब ये थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संकेत किया जा रहा है कि आगे कुछ कुछ अनिष्टकारी होगा। मतलब विवाह तो होगा, लेकिन आगे कुछ बड़ा अनिष्टकारी चीजें होंगी। तो जो कि रुक्मिणी और कृष्ण है, वो इस समय महाभारत की ओर इशारा कर रहे हैं, अभिमन्यु की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि समझना बड़ा मुश्किल है इतना पहले। तो जो ये हैं अंजलि हैं, इसलिए ये सब सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है, और ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है जब माता ये कहती हैं कि इसका जो परिणाम है वो मैं अपने ऊपर लूंगी। तो ये बहुत कंसर्न फील करती हैं रुक्मिणी के लिए, तो ये परेशान हो जाती है, और इसी वजह से ये आकर के अंबिका देवी के मंदिर में ध्यान में बैठ जाती हैं। और नॉर्मली जब ये ध्यान में बैठती थी तो ये जो भी माता की बातें होती थी उन्हें डिकोड कर पाती थी, लेकिन इस बार ये कहती है कि ये डिकोड नहीं कर पाती हैं, क्योंकि शायद कोई वजह है कि वो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में ही ये बात रहती है। उसके बाद सुजाता कहती है, ये दिन हमारा खत्म हो जाता है, अगला दिन आता है, अगले दिन बहुत सारी मिठाइयां बन रही होती हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं अब वुमेन्स क्वार्टर में कि शादी किससे हुई होगी। और फिर शाम आती है और शाम को मिठाइयां बढ़ती हैं और खबर आ जाती है कि क्या हुआ। तो क्या पता चलता है कि जब शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थी, तब अचानक से अर्जुन वहां पे आए और उन्होंने अपने घोड़े पर सुभद्रा को बिठाया, और तेजी गति से जो घोड़ा है वो उन्हें लेकर चला जाता है। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। दुर्योधन बहुत गुस्से में है और जो दाऊ है वो भी उतने ही आश्चर्य में है। सब लोग ही बहुत ही आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो गया है, और द्वारका की जो आम जनता है वो बहुत ही खुश है कि उनकी जो राजकुमारी सुभद्रा है, उसकी जो शादी हुई वो ऐसे व्यक्ति से हुई है जो कि नैतिकता से भरपूर है और एक महान योद्धा है। तो ये थी सुभद्रा और अर्जुन का विवाह। अब इसके बाद क्या है, इस बुक में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि कहानी है पारिजात वृक्ष की और नरकासुर की, कि कैसे पारिजात वृक्ष को धरती पर लाया जाता है स्वर्ग से। फिर समयंतक मणि की कहानी है, फिर श्री कृष्ण के विवाह की कहानियां है जामवंती से और सत्यभामा से, और फिर एक कहानी है दुर्वासा ऋषि की, कि किस तरीके से इस कहानी की शुरुआत जो है वो सीता ने की थी और रुक्मिणी ने खत्म की, और वो था कि दुर्वासा ऋषि को उनके क्रोध से मुक्त करना। फिर अंजलि की बहुत लंबी कहानी है कि अंजलि के पूर्व जन्म क्या थे और किस परिस्थितियों में रुक्मिणी माता के के सानिध्य में वो आती हैं, और फिर अंजलि का अम्बा से क्या रिलेशनशिप है और उसकी बेटी काशनी से क्या रिलेशनशिप है। और कहानियां हैं कि दो औरतें हैं सुकन्या और रेवती, जो समय समय पर वुमेन्स क्वार्टर्स में आई हैं और अब सुजाता इस समय उनकी सेवा करती है, जैसे कि उसकी सेवा कभी हुई थी तो उसी को वो पे बैक कर रही है। अब ये जो सारी कहानियां हैं, अभी हम इसको बायपास करते हैं क्योंकि अभी इन कहानियों को हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अब देखते हैं कि 7 दिनों 8 दिनों के बाद भी अगर हमें लगा कि हमको ये कहानियां भी सुननी है तब हम इस पे आएंगे, लेकिन ये ऑन द साइड ये कहानियां भी इस बुक पे कही गई हैं। नीता जी ठीक है ना? एज यू विश, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अगर ये 6 कहानियां मैं कहनी शुरू करी तो 2 दिन चले जाएंगे उन कहानियों में, और फिर बहुत सी कहानियां आप सबको पता भी हैं, समयंतक मणि की, ये सब कहानियां सबको पता भी हैं, तो लेकिन इनको चलिए आखिरी मिले ना, अभी आप जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वही चलने दीजिए, बाकी इनको मिस मत करिए। जी हम चलिए चलिए। पूरी बुक सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। मैं अभी भी आंख बंद करके सिर्फ सुन रही हूँ, आप सुनाते जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा जी, चलिए ठीक है, फिर हम बाद में देखेंगे इनके बारे में। तो चलिए अब
क्या है कि अब समय बीत गया है, अब जब जो सुजाता थी वो एक प्रेग्नेंट वुमेन बनकर इन क्वार्टर्स में आई थी, और अब इस समय जो उनका बेटा ईशान है वो 12 साल का हो चुका है। अब जब इनका बेटा 12 साल का हो गया है तो अब वो बड़ा हो गया है, तो वो तरह तरह के प्रश्न करता है, और वो पूछता है अपने पिता के बारे में, पूछता है अपने पिता के परिवार के बारे में, माता के परिवार के बारे में। तो जो सुजाता है ये कहती है कि मेरे पास उसको देने के लिए कुछ जवाब नहीं है। तो बोलती है कि कहीं ना कहीं ईशान और मेरे बीच में जैसे कि वो मुझे चुनौती सा देने लगा, और एक ये था कि वो बहुत प्रश्न करता था, और दूसरा ये था कि काशनी को लेकर भी इन दोनों के बीच में एक टेंशन है, क्योंकि ईशान और काशनी बचपन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सुजाता के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो काशनी है उसके पिता नारायणी सेना में एक उच्च अधिकारी हैं और क्षत्रिय हैं वो, और जो सुजाता है ये शूद्र है, और जो इस ये जो समय है इसमें मतलब जो संप्रदाय है वो बहुत मैटर करता है। जो क्षत्रिय है इन्हें वेल ऑफ कंसीडर किया जाता है, इनके समाज में इनका पोजिशन हाई है, और मनी वाइज भी ये लोग वेल ऑफ हैं। तो सुजाता को ऐसा लगता है कि पहले उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, उद्धव के साथ जिस तरह से उद्धव की निर्मम हत्या हो गई एक एक लव मैरिज के कारण, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ईशान के साथ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि वो काशनी के जो फादर है वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो कितना निर्मम और कितना दुष्ट है अम्बा के थ्रू। तो वो बहुत इसको नहीं चाहती वो कि जो ईशान है उसका ध्यान जो है काशनी की तरफ जाए। अभी कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी हर जो माता थी उन्हें पता होता था कि जो वहां पे औरतें रहती थी उनके हृदय में क्या चलता है, किसकी चिंता का क्या विषय है। तो ऐसे ही एक बारी फिर रुक्मणी आती है वुमेन्स क्वार्टर में, तो वो कहती है मैंने अब हैरान होना बंद कर दिया था, कि वो वही प्रश्न पूछती है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो अब हैरानी नहीं होती थी। तो माता आई और उन्होंने बोला, ईशान के बारे में पूछती हैं, तो वो कहती हैं कि अब समय आ गया है कि हम ईशान को एक प्रॉपर उसे ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाए, एक एक पुरुष नर्तक के द्वारा ही उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सुभद्रा अब इंद्रप्रस्थ में अच्छे तरीके से सेटल हो चुकी है, और इंद्रप्रस्थ एक नया शहर है जो पांडवों द्वारा बसाया गया है, और सुभद्रा ने अब उस शहर में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों और संगीतकारों को लाना शुरू कर दिया है। तो उसने कई नृत्य के समुदायों को भी आकर्षित किया है, तो जगह जगह से संपूर्ण आर्यव्रत से जो कला है इस समय कलाकार जो है वो इंद्रप्रस्थ में जा रहे हैं। तो वहाँ एक एक अधेड़ उम्र का एक कपल है जो कि नृत्य में बहुत ही निपुण है, और उनकी कोई संतान नहीं है। मैं उनसे मिली थी और मैंने उनसे बात कही की है कि वो ईशान का प्रशिक्षण करें, और वो इस बात के लिए तैयार हैं और बहुत ही उत्सुक हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो ईशान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, उसका ऐसा ही ध्यान रखेंगे जैसे तुम रखती हो। तो और ये भी कहती है रुक्मणी की जो इंद्रप्रस्थ है वो महेंद्र की पहुंच से कोसों दूर है, तो तुम्हें कोई उसकी वजह से भी चिंता नहीं होगी, वो वहां पर सुरक्षित भी रहेगा। तो सुजाता कहती है माता जैसे आपने सोचा है वो अच्छा ही होगा, तो जैसे आपकी इच्छा मुझे मंजूर है। ईशान के लिए यही बेहतर है कि वो यहाँ से दूर चला जाए और अपना अपना प्रशिक्षण ले नृत्य का, और अपना जीवन आगे वो बनाए। तो सुजाता कहती है मैंने माता से पूछा क्या मैं भी ईशान के साथ जाऊंगी, तो वह बोली अभी नहीं थोड़े समय के बाद। तो इसके बाद ये पूछती है कि ईशान कब जाएगा, तो माता कहती है कि अब इसके बाद जब भी कोई यहाँ से महल से इंद्रप्रस्थ की ओर जाएगा तो मैं तुम्हें संदेशा भेज दूंगी, उसी समय हम ईशान को वहां भेज देंगे। तो कुछ महीनों बाद ईशान चला जाता है, और सुजाता जो है अब एक खालीपन सा महसूस कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन का वही ध्येय बना हुआ था उनका बेटा। अम्बा भी जो है थोड़ा कम आती है आजकल, क्योंकि उसका पति ज्यादातर द्वारका में ही रहता था। फिर वो कहती है ईशान को गए कुछ हफ्ते ही हुए थे कि मुझे किसी ने आकर ये संदेश दिया कि कोई आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है द्वार के बाहर। तो ये सोचती है कि मेरा इंतजार कर रहा है कोई आदमी, तो बड़ी अजीब बात है। तो कहती है मैंने जाकर के देखा, मैं बाहर गई और मैंने देखा कि अभिषेक वहां खड़ा था। अभिषेक आगे बढ़ा और उसने मुझे गले लगा लिया।
तो सुजाता कहती है, सहज रूप से ही मैं थोड़ा पीछे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था है कैसा भाई जिसे 25 वर्षों तक मैंने देखा नहीं है, अब मैं उससे कैसे मिलूं। तो फिर वो कहती है, मैं और अभिषेक तालाब के किनारे बैठ गए और फिर हमने उसने अपने जीवन की सब सब चीजें साझा की और इसने भी साझा की। इसने बताया कि किस तरीके से मैं उद्धव के साथ भाग गई थी और किस निर्ममता से उसे मार दिया गया। फिर इसने बताया अपने भाई को ईशान के बारे में और ये बताया कि ये जो सारे समय इतने सारे साल हैं वो उसके कैसे गए हैं और इस समय ईशान जो है वो इंद्रप्रस्थ में है और वो नृत्य का प्रशिक्षण ले रहा है। तो अभिषेक ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मुझे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रुक्मणी देवी की देखभाल में इतना समय तक रही हो और तुम सुरक्षित हो। फिर अभिषेक कहता है कि मालिनी, मुझे पता है कि तुमने माँ को अभी तक माफ नहीं किया, पर माँ जिन परिस्थितियों में थी उन परिस्थितियों में उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बताया कि महेंद्र बार बार माँ के साथ दुर्व्यवहार करता था और उनके साथ उनका उनका बलात्कार भी करता था। उनके पिता कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि महेंद्र का बहुत दबदबा था, लेकिन मोहित को इस सब के बारे में पता था और मोहित माँ से सच्चा प्यार करता था। इस सब के जानने के बावजूद वह माँ के साथ भागने को और विवाह करने को तैयार था। यही कारण है कि मोहित और अम्मा दोनों भाग गए थे। तो जो मालिनी है वो अभी भी अपनी माँ के लिए बहुत गुस्सा रखती है मन में, तो वो थोड़ा सा ये सब सुन लेती है पर थोड़ा इग्नोर करती है और फिर पूछती है कि पिताजी कैसे हैं। तो अभिषेक बोलता है कि जिंदा है, पर मालिनी यही अच्छा होगा कि तुम पिताजी के पास कभी नहीं जाओ क्योंकि महेंद्र अभी जिंदा है और उसके बेटे भी जिंदा है और वो सभी अभी भी घृणा और बदले की भावना से भरे हुए हैं। तो बोलता है कि मैं जगह जगह पर तुम्हें ढूंढता था, मुझे पता था कि तुम मरी नहीं हो, तुम जरूर कहीं ना कहीं हो। और फिर मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब पूर्वी द्वार पे जब अर्जुन आए थे तो उस समय मैंने तुम्हें देख लिया था और तब से मैं तुम्हें द्वारका में ढूंढने लगा था। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें फिर कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे इन वुमेन्स क्वार्टर्स में हूँ। तो अभिषेक कहता है कि जो मेरी एक पत्नी है उसका नाम है मेनका, और जो मेनका है वो रुक्मिणी देवी से कभी मिली नहीं है पर वो उनकी अनन्य भक्त है, वो बहुत विश्वास करती है। और वो उसको एक स्वप्न आया और स्वप्न में उसे एक महिला का स्वर सुनाई दिया और जिसने ये कहा कि जो उसको ये संदेश मिला कि जो वुमेन क्वार्टर है वहां पर अभिषेक को उसकी बहन मिलेगी। तो इस तरीके से अभिषेक जो है वो यहाँ पर आता है और जब वो आता है तो सुमति जो है वो रुक्मणी की परमिशन से उन्हें मिलने देती है। तो इसकी असलियत यहाँ पे खोल देते हैं कि मालिनी ही है। तो अब सुजाता कहती अभिषेक कहता है कि द्वारका में बहुत लोग हैं जो रुक्मिणी देवी से बहुत नाराज रहते हैं, उन्हें लगता है कि रुक्मिणी हमारी परंपराओं को तोड़ रही हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहते। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि जब हम ऐसी परंपराओं को तोड़ दें जो कि किसी के लिए भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं करती है। फिर वो कहता है कि अब वो और उसकी पत्नी मेनका दोनों ही द्वारका में आकर बस चुके हैं और अब वो उसे लेने आएगा सुजाता को और या मालिनी को, और मालिनी अब वुमेन क्वार्टर्स छोड़ करके उसके साथ ही रहने चली जाएंगी। तो आगे से मालिनी कहती है कि मैं माता से बात करूंगी और माता जब कहेंगी मैं तब तुम्हारे साथ आऊंगी। और फिर वो बहुत चीजें याद करते हैं, वो सारे पल, वो सारी चीजें अपने बचपन की, अपने माता पिता के साथ जो उनका समय बीता होता है वो सब याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो अब टाइम तो हो चुका है, अब हम थोड़ा बातें करना चाहेंगे या आगे बढ़ेंगे? कंटिन्यू करो 10 मिनट। क्वेश्चन 10 मिनट कंटिन्यू। आंसर्स तो रहते नहीं है। हाँ, कोई क्वेश्चन आंसर्स तो रहते नहीं है। चलिए तो फिर एक और बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो कर लेते हैं आप आज का, और फिर नेक्स्ट फिर हम कल करेंगे। चलिए।
अभिषेक मिलकर के चला गया है और ये कहती है कि मैंने सोचा था, ये अंदर से जाना नहीं चाहती हूँ अभिषेक के पास, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत कंफर्टेबल फील करती है, आदत सी हो गई है इन्हें इस विमेंस क्वार्टर में रहने की। तो कहती है अभिषेक के जाने के कुछ हफ्तों बाद एक दिन सुमति आती है और कहती है, सुजाता माता ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, उन्होंने कुछ इंतजाम किया है कि तुम अपने पिता से मिलो। तो ये हैरान होकर बोलती है, मेरे पिता? तो वो सुमति कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, हमने हर चीज का पूरा इंतजाम कर दिया है, और जिस तरीके से इंतजाम किया गया है तुम पूर्णतया सुरक्षित रहोगी, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो और माता पे विश्वास रखो। तो ये कहती है, मैं सुमति से मैंने पूछा कि कब मिलने जाना है, तो सुमति बोलती है हंसते हुए, आज रात को ही, क्योंकि माता माता ज्यादा समय नहीं देती है प्रिपेयर करने का। अब ये जो सुजाता है कहती है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर मैं घबराई भी थी और थोड़ी चिंतित भी थी, फिर मुझे लगा कि मैं आप पिताजी से मिलने जा रही हूँ और आज रात को तो क्या लेकर जाऊं। फिर मुझे याद आया कि उन्हें मेरे हाथ का बना भोजन बहुत पसंद था, तो मैं फटाफट से रसोई में गई और मैंने खाना पकाना शुरू किया और सुमति ने उसमें मेरी मदद की। मध्य रात्रि के समीप सुमति ने किसी को भेजा जो मुझे बाहर के दरवाजे तक ले गया, और वहां पर एक रथ खड़ा था जो कि मेरा इंतजार कर रहा था। ये पूर्णिमा की रात थी और मुझे समझ में आ गया कि माता ने क्यों पूर्णिमा की रात मेरे पिता के साथ इस मीटिंग के लिए रखी है। कहती है, चंद्रदेव इस अंधेरी नगरी में पूरे रास्ते को जगमगा रहे थे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई उन अंधेरे रास्तों पर रथ को दौड़ाने में। मेरी घबराहट की स्थिति में मैंने सारथी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो कि रथ से उतरा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था और उसने मुझे रथ में चढ़ने में मदद की थी। जैसे ही हम द्वारका की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के मध्य से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मुझे उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक गहरी शांति, जैसे कि एक किसी आवरण ने मुझे ढक सा लिया और मेरे पिछले कितने ही घंटों की जो घबराहट थी वो खत्म हो गई। 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक चुप्पी साधे हुए रथ पर सवार हुए हम द्वारका को पीछे छोड़ते हुए घुमावदार सड़कों पर से गुजरते हुए और पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए गुफा की तरह दिखने वाले एक स्थान पर पहुंच गए। सारथी ने फिर से मेरी मदद की, हाथ देकर मुझे रथ से उतारा और उसके बाद मुझे तैयार किए हुए भोजन की टोकरी पकड़ा दी। मैं अभी भी बहुत शांत महसूस कर रही थी और जो भी लम्हा मेरा आगे इंतजार कर रहा था मैं उसका सामना करने के लिए तैयार थी। साथी मुझे गुफा तक ले गया, उसके हाथ में एक मशाल थी और उसने मुझे बताया, मेरे पिता वहां बैठे हैं और वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा, हमें सुबह से पहले ही लौटना होगा, यह पहले शब्द थे जो उसने मुझसे कहे। उसने मुझे वो मशाल दे दी और धीरे धीरे मैं अपने पिता की ओर आगे बढ़ी। मैंने कुछ कदम उठाकर देखा कि वहां एक आदमी बैठा था जो मेरे पिता की छाया थी, जिसे मैं जानती थी। अपना चेहरा उठाते हुए उसने अपनी आंखों को मेरी ओर घुमाया और मैंने देखा वह मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, पिताजी यह मैं हूं मालिनी। मैंने अपनी निगाहें उनके उस झुके हुए कमजोर आकृति पर लेकर मैं गई तो मैंने देखा उनका चेहरा कितना रेखांकित हो गया था, उनके वो बाल जो किस समय कितने ही घने और गहरे और प्रचुर मात्रा में थे अब कितने ही बेतरतीब थे और लकीरदार थे। दुख ने अचानक ही मुझे जकड़ लिया और मैंने सोचा कि मेरे जाने के बाद उनका जीवन क्या रहा होगा, उन पर क्या बीती होगी। मैंने कहा, पिताजी मैं हूं मालिनी, देखिए मैं जिंदा हूं। मेरे पिता ने कहा, नहीं, मालिनी तो अब नहीं है। फिर से ये कहती है, नहीं पिताजी मैं ही मालिनी हूँ और मैं जिंदा हूँ, आप ध्यान से देखिए, उस रात मैं भाग गई थी, मैं बहुत दूर भाग गई थी, और ये कहते कहते मैंने अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। मेरा मन किया कि मैं खूब जोर जोर से रोऊं, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने सब भावनाओं को अपने गले में ही दबा लिया और मैं ये सोच करके ही आई थी कि मैं अपनी भावनाओं को अभिभूत नहीं होने दूंगी। मैंने और पिताजी ने बहुत सारी यादें ताजा की। पिताजी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि मैं जिंदा हूँ, वह बहुत खुश है कि मैं वहां से भाग गई थी, और लेकिन उन्होंने कहा वो बहुत दुखी थे उद्धव के परिवार के लिए। उन्होंने बताया कि उद्धव के परिवार के लिए उसके बाद का समय बहुत ही मुश्किल का रहा, उसके दुख में उसकी माता ने शरीर त्याग दिया था
लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब तो सब बीत गया है। फिर मैंने पिताजी को खाना दिया जो मैंने उनके लिए बनाया था, और पूरी रात हम ऐसे ही बातें करते रहे। पिताजी ने कहा कि अभिषेक उनसे मिलने आया था, और अभिषेक की पत्नी भी साथ आई थी, और समय समय पर अभिषेक और उसकी पत्नी आकर के उन्हें खाना, फल और उपहार आदि उनके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि अब वो भी द्वारका में ही रहते हैं। पिताजी ने कहा अभिषेक एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उन्होंने ये भी कहा कि जो अभिषेक को महेंद्र ने भेज दिया था ये कह करके कि उसके उसके माता पिता मिल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभिषेक के कोई दूर के रिश्तेदार थे जो महेंद्र ने ढूंढ लिए थे, और महेंद्र ये चाहता था कि अभिषेक वहां से हट जाए, क्योंकि अभिषेक एक तरीके से उसके रास्ते का पत्थर था मालिनी तक पहुंचने के लिए। इसलिए उसने अभिषेक को किसी दूर के रिश्तेदार के पास भेज दिया था। वास्तव में अभिषेक के माता पिता की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। फिर पिताजी ने कहा कि मालिनी, मैंने तुम्हें देख लिया है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो, मुझे बहुत शांति है इस बात की, लेकिन अब बहुत समय हो गया है, सुबह थोड़े ही देर में हो जाएगी और तुम अंधेरे अंधेरे में ही यहाँ से निकल जाओ। पिताजी बहुत ही भावुक थे और उन्होंने कहा तुम चली जाओ मेरी बच्ची, तुम चली जाओ, और मुझे माफ कर देना कि मैं वो पिता नहीं बन सका जैसा कि मुझे होना चाहिए था। मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। मालिनी कहती है मैं जाने के लिए उठी और मैंने फिर से मुड़कर अपने पिता की ओर देखा, और मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। उन्होंने धीरे से अपने सर को हिलाया और मैं गुफा से बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो मुझे तुरंत ही वो साथी नहीं मिला जो मुझे लाया था। रथ वहीं पे खड़ा था और खाली था। मैं इधर उधर देखने लगी और अचानक ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान के किनारे वह बैठा ध्यान कर रहा है। बाहर अभी भी अंधेरा था, सुबह के करीब आने का संकेत बस आने ही वाला था। मैंने ध्यान से देखा तो उसके आसपास एक सुर्ख नीले रंग की रोशनी थी। मैंने सोचा कि क्या ये कोई साधारण मनुष्य है या कि यहाँ कोई देव है। फिर मैंने देखा कि उसने एक वनवासी का चोला पहना था। जाहिर है यह कोई साधारण साथी नहीं था, पर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं ऐसे ही खड़ी रही और इंतजार करने लगी कि कब वो ध्यान से बाहर आएगा। इतने में ही मेरे पिता से जो अभी अभी मेरी सब बातें हुई वो मेरे गहन में आई और मेरे सामने मेरे पिता की छवि आई, तो वो सारी भावनाएं जिसे मैं गुफा के अंदर प्रकट नहीं कर पाई थी और मैं उन सबको अंदर दबाकर बैठी थी, अचानक से ही वो बाहर आकर जैसे कि मेरा हृदय फट सा गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं जमीन पर बैठ गई और तेज तेज मैं रो रही थी। अचानक ही उसने आंखें खोली और कहा कि सोचो माता ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे पिता से दोबारा पुनर्मिलन को उन्होंने सक्षम किया, और यह जान करके कि तुम जीवित हो अब तुम्हारे पिता शांति से अपने शरीर का त्याग कर पाएंगे। सुजाता कहती है मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे बारे में कितना जानता है, उसे क्या पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, पर पता नहीं क्यों उस एक क्षण में मैंने उसे सब बताया। मैंने बताया कि किस तरीके से मेरी माँ और हमारा एक खुशहाल जीवन था, फिर मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो अचानक से प्रस्थान कर जाती हैं, फिर मेरा भाई चला जाता है, मेरी सगाई होती है, मेरे गुप्त तरीके से शादी होती है, मैं भागती हूँ, उद्धव की भयंकर मौत होती है, और इतना तक कि मैंने अपनी गर्भावस्था और अपने शिशु के बारे में भी उसे बताया। जैसे कि मैंने अपने जीवन की सारी कहानी उसके सामने उड़ेल दी, पर मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि एक ही आदमी था जिसने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। दुनिया में महेंद्र जैसे लोग क्यों होते हैं? मैं रो रही थी और रोते रोते ये सब कह रही थी। इस पर वह कहता है तुम्हें एक और पहलू को भी समझना होगा। इन सब घटनाओं के बाद ही तुम और तुम्हारा बेटा माता के सानिध्य में आए हो। महिला क्वार्टर में तुम्हारे प्रवास के माध्यम से तुम्हें कितने ही अच्छे अनुभव हुए हैं और कितने ही सत्य तुम्हारे सामने उजागर हुए हैं। वो बोला मेरे दोस्त, ऐसे लोग हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए और हमें धर्म का जीवन जीने के लिए
और प्रतिबद्ध बनाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। ऐसे लोगों के बिना हम क्या वो पा सकते हैं जिसके लिए हम समर्थ होते हैं? फिर उसने कहा, किसके जीवन में चुनौतियां नहीं हैं? चुनौतियों का सामना किए बिना हम अपनी समझ में आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन मत भूलो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस समय के दौरान पे हैं जब कृष्ण और रुक्मणी हमारे दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में धरती पर हैं। मैं एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं भूलता और मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी रहता हूं। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं अपनी इस कमजोरी के क्षण के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी कमजोरी नहीं है, बस ये आप अपने अतीत को जाने दे रही हैं और मुझे खुशी है कि मैं इसमें आपकी मदद कर पा रहा हूँ। फिर हमने देखा कि सूर्य की पहली किरण अब आसमान में आ रही थी और हमें उसने कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। हम दोनों चुपचाप से द्वारका आ गए। रास्ते में किसी शब्द की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मेरी भावनात्मक उथल पुथल अब बंद हो गई थी और एक शांत भावना में स्थानांतरित हो गई थी। अपने पिता को अलविदा कहने में कहीं ना कहीं मैंने अपने अतीत को भी विदाई दे दी थी। द्वार पर पहुंचकर एक बार फिर उसका सामना करते हुए मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और मैंने अपनी समस्त भावनाओं को जुटाकर कहा, मेरे पास शब्द नहीं है और वास्तव में आपको धन्यवाद देने का कोई तरीका भी नहीं है। आपकी उपस्थिति ने ही मुझे इतना सहज महसूस होने में मदद की है। उसने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, अगर तुम्हें धन्यवाद देना है तो माता का देना, यह सब उनकी ही प्रेरणा थी। अब सूरज उदय हो चुका था और सूर्य की रोशनी में पहली बार मेरी नजर उस पर पड़ी। मुझे लगा कि मैंने उसका चेहरा पहले भी कहीं देखा था या फिर मैं इसकी कल्पना कर रही थी। एक पल के लिए मैं सोचने लगी कि मैं उससे पहले कहाँ मिली थी। फिर अचानक से ही वो रथ पे चढ़ा और वो रथ लेकर वहां से चला गया और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह आदमी जिसने मुझे ये सारा ज्ञान प्रदान किया है, वह और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही है। तो हमारा ये आज का स्वाध्याय हम यहाँ पर अब खत्म करते हैं।